जी नमस्कार गाइस, स्वागत है आपके चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 15 अगस्त की शुभकामनाएं। आज आज़ादी का पर्व है और पूरा देश जोश के साथ, ताकत के साथ जश्न मना रहा है आज़ादी के पर्व को। हर घर में, हर स्कूल, कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट, हर संस्थान, हर महाविद्यालय में ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हर 15 अगस्त 1947 का एक इमेज हमारे दिमाग में बनी हुई है और हम हर 15 अगस्त को ये त्यौहार मनाते हैं। ये एक राष्ट्रीय पर्व, एक नेशनल जो हमारा हॉलीडे रहता है, इस पर ये नाम के लिए हॉलीडे है, लेकिन हम सब एक्टिव और हमारा जो पैसेज है जिस पे हम पथ पे चल रहे हैं वो हमेशा बना रहे, इंस्पिरेशन मिलती रहे। बड़े लीडर्स, बड़े बड़े क्रांतिकारी, बड़े बड़े जो फिलोसोफर और जो हमारे वीर सपूत हैं जिन्होंने देश के लिए आज़ादी दी, उनके लिए 15 अगस्त और ये 26 जनवरी जो है डेडिकेटेड रहता है, क्योंकि साल में दो बार ही ये हमारा नेशनल पर्व आता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। आज़ादी पाने में बहुत वक्त लगा, मारकाट हुई, कई करोड़ों लोगों का विस्थापन देखने को मिला हमको। प्रॉपर तरीके से आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हमने आज़ादी पा ली इसका मतलब हम अब इंजॉय करेंगे, हम अपने देश की आन बान शान को भूल जाएंगे या हमारे अंदर कोई प्राइड फील नहीं होगा, तो ये गलत फहमी है। छोटा बच्चा से लेकर बड़े बुज़ुर्ग तक एक भावुक क्षण होते हैं ये 15 अगस्त के, 26 जनवरी के, जहाँ पूरा देश उल्लास के साथ झूम उठता है और देश की खातिर मर मिटने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे कॉमन मैन हो, चाहे वो फोर्स में हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में जॉब करता हो। उसके लिए, देश के लिए थोड़ी बहुत इज्जत तो रहेगी जिससे वो अपने को प्राइड फील करे, यस वी आर इंडियन और हम सब मिलकर रहेंगे, हम सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। इसलिए 26 जनवरी 15 अगस्त पर हमारे प्रधानमंत्री जी एंड राष्ट्रपति जी भी अपने संबोधन में, अपने जो सेंटेंस होते हैं, अपने स्पीच में एड्रेस करते हैं पब्लिक को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट जो हैं हमारे देश की जनता को एड्रेस करती हैं, ठीक है, और उसमें देशवासियों को शुभकामना देते हैं। देन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो लाल किला से संबोधित करते हैं, स्पीच देते हैं पूरे देशवासियों को, और हाल ही में जो स्पीच हुई है उसके कुछ तथ्य हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किन किन पर फोकस किया और कब तक ये जो पॉइंट हैं वो हमारे अंदर इम्प्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क रहता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई लीडर्स, यंग लीडर्स या यंगस्टर ऐसे होते हैं जो स्पीच को अनदेखा करते हैं, वो नहीं देखते ना सुनते हैं, तो प्लीज़ किसी की स्पीच ना सुनो, तो प्राइम मिनिस्टर जी की स्पीच जरूर सुने, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों लेकिन वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो पीएम का लेक्चर जरूर सुने। तो आज लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सर्वप्रथम देशवासियों को 78वें पर्व की शुभकामनाएं दी, स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, और वहीं से अपना संबोधन, अपना जो लेक्चर स्पीच होता है, पहली बार उन्होंने 2047 तक का एक पूरा डेटा अपनी सरकार के सारे कारनामे गिनाए उन्होंने पहले लेक्चर में, कि 2047 एक उद्देश्य है भारत को विकसित करने का, कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लेक्चर में था कि भारत को विकसित करने का 2047 तक टारगेट है कि हमारा इंडिया डेवलप हो जाएगा बाई 2047 तक। सबसे पहले उन्होंने युवाओं का, महिलाओं का, बुज़ुर्गों का, किसानों का, स्ट्रीट वेंडर्स का, सबका शुक्रिया अदा करा और उल्लास के साथ जश्न मनाने के लिए, मतलब एक तरह से उनको प्रोत्साहित किया, फीलिंग्स, प्राइड, ये सारी चीज़ें देशवासियों के साथ शेयर की, अपनी सरकार के कारनामे भी इन्होंने गिनाए, ठीक है, और 2047 का जो मुद्दा था उसमें सारी चीज़ों को उन्होंने रखा, लाइक G20 का सफल सम्मेलन के बारे में उन्होंने बताया कि संसार में G20 भारत देश ने होस्ट किया था और बहुत अच्छा काम किया G20 में भारत देश ने, और इसकी पूरी तरह से अध्यक्षता की थी भारत देश ने।
बहुत अच्छे पॉइंट्स G20 में, क्योंकि 19 कंट्री होते हैं, एक यूरोपियन कंपनी एक यूरोपियन कंट्री होता है, तो 20 कंट्री इस तरह से शामिल होते हैं और G20 एक सफल अभियान माना जाता है। वो भी बात लाल किले से कही कि एक बहुत बड़ा इतिहास हमने रचा, चंद्रयान का भी इतिहास हमने रचा, ठीक है। और जो पॉइंट जैसे कि एक घरेलू गैस सिलेंडर का पॉइंट है, वो भी इन्होंने लाल किले से बताया गया था। और मेडिकल लाइन की बात कही थी कि जनसंख्या जैसे बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार हमने मेडिकल कॉलेज खोले हैं, कई सारी सीटें में बढ़ोतरी की है, लगभग 75,000 सीटों के बारे में उन्होंने बताया है। लाल किले से 75,000 सीटें मेडिकल की सीटें बढ़ा दी गई हैं। जो दर दर से भटक रहे थे हमारे युवा, अब वो अपने इलाज के लिए नहीं भटकेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी मेडिकल जो है, मेडिकल लाइन इंडिया में काफ़ी कवर करेगी, अपने आप को इम्प्रूव करेगी, डेवलप करेगी। तो ये पॉइंट प्रधानमंत्री मोदी जी के आज के लेक्चर में थे। तो मेडिकल लाइन में जो विद्यार्थी बाहर जाता है, लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है, क्यों ना वो अपने देश के अंदर ही पढ़ाई करे मेडिकल की और अपने देशवासियों की सेवा करे। वो बात अलग है कि NRI बाहर जाते हैं और एक इनकम बहुत बड़ा सोर्स होता है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, NRI का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाहर ना जाए, अपने देश में ही, अपने जो पर कैपिटा इनकम है, जो GDP है, वो अपने देश में ही रहे, बाहर ना जाए। जो व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, कोई बात नहीं, वो भी हमारे लिए क्या है, एडवांटेज रहता है, वो देश का नाम करते हैं और देश की इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये पॉइंट लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ से बताया। गाइस, पूरी जनता को शुक्रिया अदा करा, जनता के कारनामे और जनता के लिए, जनता का क्या क्या हुआ, क्या क्या हमने किया, क्या क्या स्कीम्स थी, क्या क्या योजनाएं थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा था और ख़ास तौर से युवाओं के लिए पॉलिटिक्स में आने का न्योता दिया उन्होंने कि हम ऐसे बंदों की तलाश कर रहे हैं जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स नहीं है, मतलब जिनके ना माता पिता, परदादा, दादा दादी, नाना नानी कोई भी पॉलिटिक्स पर नहीं है, एकदम फ्रेश कैंडिडेट को हम मौका देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि युवा देश की एक रीढ़ है, एक मजबूत हड्डी है, जो हमारे देश को समृद्धशाली बना सकती है, एक प्रॉस्पेरिटी इंडिया कह सकता है। इसलिए युवाओं को चांस देना आज के दौर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पॉलिटिक्स में युवाओं को लाने का एक बहुत बड़ा कैंपेन लाल किले से बोला है कि हम ये कैंपेन चलाएंगे और कई युवाओं को, सैकड़ों युवाओं को हम पॉलिटिक्स में आने का न्योता देंगे, जिससे हमारी जो नई सोच है, भारत की नई सोच है, नया नवीनीकरण है, न्यू इनोवेशन एंड थॉट्स, क्रिएटिविटी आइडियाज़, गुड लीडरशिप, मोरलिटी, बॉडी लैंग्वेज एंड एटेस्ट्रा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक नए युवा भारत देश को दे सकता है। क्योंकि एक पॉइंट आता है लीडरशिप, जो एक हर देश के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से भाषण में बहुत सारे पॉइंटों को यहाँ पर बताया गया, घरेलू सिलेंडर से लेकर, किसानों से लेकर, एक लेबर क्लास से लेकर, फिर इधर आयुष्मान योजना से लेकर, फिर आपके जो पॉइंट्स थे जैसे कि हम डिस्कस किए थे, 2047 तक देश जो है डेवलप हो जाएगा, मेडिकल लाइन के विद्यार्थियों को हम यहीं प्रशिक्षित करेंगे और यहीं जॉब देंगे, और विपक्ष पार्टियों पर भी उन्होंने निशाना साधा, परिवारवाद, जातिवाद पर भी इन्होंने निशाना साधा, मतलब एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट जो है नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से बताई गई कि इस तरह से हम पूरे एक होकर परिवारवाद या जातिवाद को बढ़ावा न देकर एक मानवता पर हम फोकस करते हुए देश के विकास के लिए अपने झंडे लगाएंगे, झंडे गाड़ेंगे। तो इस तरह से इस स्पीच में प्रधानमंत्री जी का ये रोल रहता है। युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल, मतलब एक तरह से इन्विटेशन दिया कि युवा आएँ और राजनीति ज्वाइन करें। अच्छी स्पीच थी, बढ़िया था और लोग कन्विंस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री एक जियोपॉलिटिक्स भी खेलते हैं, अपनी पार्टी को बचाने के लिए भी काम करते हैं, मिनिस्टर्स को कुर्सी को बचाने के लिए, बचाने का भी काम करते हैं, लेकिन उन्होंने देश के लिए भी और देश के युवाओं के लिए भी कुछ रास्ते खोले हैं कि वो अपना ट्राई करें, ठीक है, चांस दिया है। क्योंकि युवा एक अच्छा एक नेतृत्व कर सकता है, अच्छी पहचान बना सकता है। अगर युवा के अंदर गुड लीडरशिप नहीं है तो ना उनके अंदर कोई स्किल डेवलप होगी, ना वो अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, ना कम्युनिकेशन अच्छा कर पाएंगे, ना ही उनकी पब्लिक स्पीकिंग एक इन्फ्लुएंस रह पाएगी, टाइम अफेक्टिव मैनेजमेंट भी कम हो जाएगा और जो डेली हैबिट्स होते हैं ऑफ लीडर के वो भी छूट जाएंगे।
डेली हैबिट्स ऑफ लीडर जस्ट लाइक एक्टिव लिसनिंग हो जाएंगी आपकी, है ना, आपकी जो जो मॉरलिटी है वो भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, एम्पैथी सिंपैथी अच्छी होनी चाहिए हमारे अंदर, है ना, और एक रिफ्लेक्ट ऑन योर डे वो भी एक होना चाहिए, है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बैलेंसिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो लीडरशिप को मजबूत करते हैं, डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स को मजबूत करते हैं, और ये वही कर सकता है जो युवा है, जोशीला है और इन्फ्लुएंस ताकत है उसके पास। इसलिए मोदी ने युवाओं के लिए ये मौके दिए कि वो आए राजनीति में और राजनीति में ज्वाइन करके देश का नाम रोशन करें। तो यहाँ तक तो मैंने बताया प्रधानमंत्री के जो ब्रीफ में मैंने बताया कि क्या क्या उन्होंने पॉइंट रखे लाल किला से। 78वें आज़ादी का पर्व पूरे देश में शान और शौकत से मनाया जा रहा है, और ये ताकत, ये जो शान शौकत जो आज़ादी हमें मिली, ये बड़ी मुश्किल से मिली गाइस। भाई वैसे तो हम पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाते हैं। अब इसके पीछे कहानी है, बैकग्राउंड में हम जो लोग जाते हैं, प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, अब थोड़ा इंडियन हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री में जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे। लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, 1929 को हुआ था लाहौर में, जिसकी अध्यक्ष साहब मतलब चेयरमैन थे आपके श्री जवाहरलाल नेहरू जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने वहीं से एक मुकाम हासिल किया, वहीं से एक पहचान बनाई, डोमिनियन जो स्टेट था इंडिया का वो ख़त्म कर दिया, और उन्होंने कहा वी वांट कंप्लीट स्वराज, मतलब पूर्ण स्वराज्य का नारा दे दिया कि हमें यहाँ से आज़ादी चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो टस से मस नहीं हुए, इसलिए स्वतंत्रता तक लिए हमने वहीं से बिगुल बजा दिया 26 जनवरी 1930 को, और 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया। 1930 से लेकर 47 तक 18 साल तक हम हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे थे 1947 तक का। इस 1947 15 अगस्त 1947 को ही क्यों चुना गया ये डेट, बात है माउंट बैटन साहब जो लास्ट गवर्नर जनरल मतलब वायसराय एंड फर्स्ट वायसराय थे भारत के, उन्होंने 15 अगस्त डेट इसलिए चुना था क्योंकि 15 अगस्त 1945 को ही जापान ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था ब्रिटेन के सामने। 15 अगस्त एक लकी डेट थी लॉर्ड माउंटबेटन के लिए, और 15 अगस्त 1947 को ही देश को आज़ादी देने में माउंटबेटन का बहुत योगदान रहा, उनकी पत्नी का बहुत योगदान रहा। अब तक के इतिहास में वायसराय में सबसे बेस्ट वायसराय माउंटबेटन को बोला गया, क्योंकि लोगों की तकलीफ समझना, लोगों के दुख दर्द, एक हमदर्द बनना माउंटबेटन के भाग्य में था, और माउंटबेटन ने लोगों के लिए काफ़ी काम किए, उनकी फीलिंग्स, उनकी योजनाएं, सारी चीज़ें समझी, तो ये बहुत बड़ी बात है गाइस। माउंटबेटन ने बहुत अच्छा काम किया देश के लिए। एक 3rd June 1947 को ही वो एक योजना लेके आए थे, माउंटबेटन प्लान, और उसी में भारत और पाकिस्तान को आज़ाद करने का फॉर्मूला दिया, भारत और पाकिस्तान को, पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान दो में बढ़ जाता है और भारत अलग हो जाता है 15 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग होता है एंड 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। ये आज़ादी नॉर्मल नहीं थी, लाखों लोगों की हत्याएं हुई, ट्रेनों में लाशें भर भर के पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, और हिंदुस्तान से पाकिस्तान भी कुछ लोग मर्डर करके भेज रहे थे, हत्याएं हो रही थी, हज़ारों लोग, लाखों लोग मारे जा चुके एंड करोड़ों में लोग विस्थापित भी हो रहे थे। माइग्रेशन टॉप लेवल पर चल रहा था, करोड़ों लोग इधर से उधर चले गए, कह सकते हैं 20th century की सबसे बड़ी त्रासदी कह सकते हैं इसको हम, बहुत बड़ी त्रासदी थी, दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी भारत देश ने झेली और आज भी झेलता आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से विदेश नीति के बारे में भी कहा कि हमारा देश शक्तिशाली बनता जा रहा है, एक विकसित जैसी सोच रख रहा है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो भारत को नापसंद कर रहे हैं, भारत की फीलिंग्स, भारत की पॉलिसीज, एक्सटर्नल अफेयर्स चीज़ों को डिसलाइक कर रहा है। ये उनके लिए सबक है कि भारत देश किसी की एक इंच ज़मीन नहीं लेता, अगर भारत के किसी ने एक इंच ज़मीन लेने की कोशिश की तो भारत देश उसको सबक सिखाएगा। तो ये भी एक स्पीच में उन्होंने बोला, मोटिवेशन हमारी फोर्स के लिए, हमारे युवाओं के लिए गाइस।
तो इस तरह से सफलता की आज़ादी जो हमें मिली है, तो आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है। कई लोग विस्थापित हुए, करोड़ों लोग विस्थापित हो गए, लाखों लोग मारे जाते हैं जिनका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ कुछ के रिश्तेदार पाकिस्तान से, पाकिस्तान के रिश्तेदार भारत में थे। तो ये माइग्रेशन बहुत टॉप लेवल पे था और कई ब्रूटल मर्डर हुए, रेप हत्याएं होती हैं, आज़ादी खून से लथपथ ज़मीनें हो चुकी थी भारत पाकिस्तान की। सोचिए, जैसे नदी में पानी बहता है, इस तरह से ट्रेनों में खून बह रहा था, गांव से खून लथपथ थे, शहर भी खून लथपथ थे, हर जगह मार्शल लॉ की जैसी हालत हो गई थी, 144 जैसे आज कहते हैं धारा लग जाती है, इस तरह की समस्या हो गई थी। और ब्रिटिश लोगों की हुकूमत कायम थी, क्योंकि ब्रिटिश लोग हमको फाइनली छोड़ के फरवरी 1948 में जाते हैं, क्योंकि उनको डाउट था अगर वो अभी चले गए तो ये आपस में फिर लड़ बैठेंगे और फिर खून खराबा करेंगे। इसलिए फाइनली ब्रिटेन हमको क्विट करके जाते हैं फरवरी 1948 को, गाइस, ठीक है। मतलब माउंटबेटन जो अपना काम करते हैं फरवरी 1948 तक हमारे इंडिया में रहकर, गाइस, ठीक है। बाकी तो हमने पुश किया था, हमने ही मतलब सेक्रीफाइस किए हमारे क्रांति वीरों ने, और ये धरती हमारी वीरों की धरती रही। बिगुल तो हमने 1857 में बजा दिया था, 1857 का रिवोल्ट हुआ था और कई इलाकों से हमारे लीडर्स खड़े हुए थे, कई प्रोटेस्टर्स खड़े हुए थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल खड़ी हुई थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई खड़ी हुई थी, नाना साहब खड़े हुए थे कानपुर से, खान बहादुर खान बरेली से शामिल हुए थे, फैज़ाबाद से अहमदुल्ला खान शामिल हुए थे, है ना, और कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से खड़े हुए थे, मेरठ से हमारी एक छोटी सी टुकड़ी ने एक तरह से बिगुल बजा दिया था क्रांति का, डेट थी 10 मई, दिल्ली से बहादुर शाह जफर सेकंड जो लास्ट एम्परर होते हैं मुगल बादशाह, असम से मणिराम दत्त, रेवाड़ी से राव तुलाराम जी, है ना, कई सारे लीडर्स हमारे शामिल हुए यहाँ से, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से हुई, तांते टोपे हमारे ग्वालियर से, कानपुर से ये आपके नाना साहेब, जगह जगह से एक तरह से क्रांतिकारी का बिगुल, मतलब क्रांति का बिगुल बच चुका था क्रांतिकारियों के द्वारा, लेकिन एक यूनाइटेड पावर ना होने की वजह से हम लोग पीछे हट गए। और ये मोमेंट जो रिबेलियन होता है, रिबेलियन 1857 का, वो फेल हो जाता है। तो फेल होने के कारण आप जानते हैं, लिटरेट वर्ग अलग रहा, लिटरेसी और लिटरेट मतलब जो पढ़ा लिखा था वो अलग रहा, अमीर लोग अलग रहे, सरदार लोग अलग रहे, साउथ इंडिया में ये फैल नहीं पाया था, है ना, हमारे पास टेक्निकल आर्म्स नहीं थे, हमारे अंदर भावनाएं ज़्यादा थी, फीलिंग्स ज़्यादा थी, रिलीजियस पॉलिटिकल मिलिट्री इकोनॉमिक कॉजेस बने थे इस रिवॉल्ट को शुरू होने के लिए, है ना, गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, बहुत सारी बातें हैं गाइस बताने को, तुम हम डिस्कस करते रहेंगे। 1857 का हमने एक वीडियो भी बना रखा है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, गांधी एरा का भी वीडियो बना रखा है, ठीक है। बाकी हिस्ट्री का मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैं बस कनेक्ट कर रहा हूँ 1857, फिर 26 जनवरी 1930 का, देन फाइनली 15 अगस्त 1947 और आज का 15 अगस्त 2024, कितना अंतर रहा, कितना चेंजमेंट हुआ, है ना, कितना विकास हुआ और कितने लोगों के सोर्सेस, कितने लोगों की जिंदगियां बदल गईं, कितने पॉपुलेशन में विस्फोट हुआ। 1947 में देखिए 36 करोड़ थे हम, 36 करोड़ लगभग 40 करोड़ मान सकते हैं, आज की डेट में हम लोग 140-145 करोड़ हो चुके हैं, 100 साल आज़ादी को नहीं हुए और हमने 100 करोड़ जनसंख्या बढ़ा भी ली। उस समय GDP एग्रीकल्चर की बेस्ट थी, हर चीज़ की GDP बेस्ट थी, आज GDP को डाउन होता जा रहा है, लोगों के पास सोर्सेस ख़त्म होते जा रहे हैं, हमारे युवा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जॉब नहीं है, समस्याएं बढ़ती जा रही है, एनजाइटी के शिकार होते जा रहे हैं, जॉबलेस फेसलेस होमलेस का सामना करना पड़ रहा है आज के यंगस्टर्स को। बाकी ठीक है, हम अगर ये समस्याएं हैं तो हम अपना आज़ादी का फेस्टिवल मनाना का छोड़ देंगे, ये हमारी इंस्पिरेशनल है, ये हमारे एक तरह से प्रेरणादायक फेस्टिवल हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते। हम मरते दम तक, जब देश हमारा आज़ाद हुआ और देश तब तक रहेगा और रहेगा हमेशा, हम तब तक आज़ादी का पर्व जोश उल्लास के साथ मनाएंगे, ठीक है। तो
आप सब को ये शुभकामनाएं 15 अगस्त 1947 की, हम जो आज़ादी हमें मिली है और इस आज़ादी को बनाए रखना हम सबका एक कर्तव्य है, एक उत्तरदायित्व है कि हम पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ लगे रहें। संविधान ने हमें राइट दिया है, संविधान ने हमें ड्यूटीज दी हैं, हर चीज़ संविधान ने हमें प्रोवाइड किया है। हम किसी प्रकार का भेदभाव ना करें, अपनी ड्यूटी का, अपने राइट का पालन करें देश को बचाने के लिए, देश की एकता को खंडित ना करें, एकता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए गाइस। ठीक है, चलिए मैं बस एक मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया है थोड़ा। ठीक है, आप अपना आज़ादी को एक तरह से उल्लास के साथ मनाइए। मनाने का मतलब ये नहीं कि आप डिस्को में जाइए, पब में जाइए, मौज मस्ती कीजिए, सेलिब्रेशन होता है। सबको रिगार्ड कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, विशेज दे सकते हो, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली को देश के बारे में बता सकते हैं, अपने बच्चों को बारे अपने बच्चों को बता सकते हैं कि हम आज़ाद कैसे हुए थे। तो ये थॉट्स हैं आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे इंस्पायर रहे और अपने गोल को सेट कर पाए। यही एक अच्छे लीडर की लीडरशिप होती है गाइस। ठीक है, मोटिवेट रहें, हमेशा खुश रहें। एक छोटी सी क्लिप भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, ले सकते हो। नन्हे मुन्ने बच्चे देश के भविष्य है, कई क्रांतिकारी हमारे बैठे हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस, सोल्जर्स, जवाहरलाल नेहरू जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सारे क्रांतिकारी यहाँ छोटे बच्चे के रूप में हमें दिख रहे हैं। कि झांसी की रानी बैठी हैं हमारी, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। क्यूट फेस एंड सभी क्रांतिकारी। Welcome to all of you to the 78th India Independence Day celebration at Aryans Model School. And I want to welcome most active parents to 8th and 9th to 12th. जो भरा नहीं है भावों से, बहते जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
विद्यालय प्रांगण में उपस्थित प्रत्येक देश प्रेमी को मेरा नमन। आज हम 15 अगस्त के इस पावन पर्व का आनंद लेंगे। हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले हर उस वीर शहीद को याद करेंगे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस भारत Thank you.
Thank you.